भले ही वह श्रुति खाती है, लेकिन मैं शादी उसी से करूँगा। भले ही उसने गलत किया, लेकिन वह मेरा भाई है। भले ही काजल ने शादी कर ली, लेकिन वो मेरा पहला प्यार था। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस के बोलने के लिए आप क्या करोगे? इसको बोलने के लिए देखते जाइए वीडियो के इन तक, मैं आपको समझा दूंगा आप कैसे बोलोगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ वर्ड्स। जैसे कि एक हमारे पास है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। और एक वो होता है जिसको कहते हैं मगअप। मगअप का मतलब होता है रट्टा मारना, यानी जो रट्टू तोता की तरह कॉपी कैट होता है। क्लियर? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है, भले ही वह सुरती खाती है, लेकिन मैं शादी उससे करूँगा। क्या इवन दो आप लगाएंगे, फिर कोई सा भी सेंटेंस लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? इवन दो सी च्यूज टोबैको, आई विल गेट मैरिड विद हर। इस तरीके से आप बोलेंगे, भले ही उसने गलत किया, लेकिन वह मेरा भाई है। इवन दो ही डिड रॉन्ग, ही इज़ माई ब्रदर। इस तरीके से, और भले ही काजल ने शादी कर लिया, लेकिन वह मेरा पहला प्यार था। इवन दो काजल गॉट मैरिड, सी वॉज माई फर्स्ट लव। ऐसे तो यहाँ पर इवन दो काजल गॉट मैरिज एंड सी वॉज माई फर्स्ट वर्ड लव के बीच में आप जो कॉमा लगा सकते हैं या फिर एट का भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए जितेंद्र चैनल। हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।